नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम रिवाइज करने जा रहे हैं एसी, तो अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और उसमें चैप्टर खोल लीजिए अल्टरनेटिंग करंट्स। यह है चैप्टर नंबर 7। इसमें फर्स्ट पार्ट में ही पेज नंबर मैं आपको और बता देता हूँ। पेज नंबर है 233। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप देखते हैं कि लिखा हुआ द मेन रीजन फॉर प्रेफरिंग यूज ऑफ एसी वोल्टेज ओवर डीसी वोल्टेज। एसी को हम डीसी के ऊपर प्रेफर करते हैं बिकॉज मेन रीजन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ये है, इज दैट एसी वोल्टेजेस कैन बी इजिली एंड एफिशिएंटली कन्वर्टेड फ्रॉम वन वोल्टेज टू अदर बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। हम एसी को इजिली स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं एज पर आवर नीड। डीसी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। Further, electrical energy can also be transmitted economically over long distances. अगर हम AC के फॉर्म में ट्रांसमिशन करते हैं तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करके हम हीट लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि DC में ये पॉसिबल नहीं है। AC circuits exhibit characteristics which are exploited in many devices of daily use. ये तीसरा कॉज है कि मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेज में हम AC यूज करते हैं। That's why AC is preferred compared to DC. For example, whenever we tune our radio to a favorite station, we are taking advantage of a special property of AC circuit. तो ये सब हमें इसमें पढ़ना है। यहाँ से सीधे आप आ जाए 234 पर, यहाँ पे लिखा है नोट इन पर्टिकुलर दैट V एंड I reach zero minimum and maximum values at the same time. Clearly the voltage and current are in phase with each other. ये आपको डायग्राम बनाना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो करंट और वोल्टेज इस तरह से वेरी करते हैं। ये वेरिएशन दिखाना आपको आना चाहिए। टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ए स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड यूज्ड। इट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर और इफेक्टिव करंट। अगर I इफेक्टिव है तो पावर को हम कह सकते हैं एसी सर्किट में हो जाएगी I RMS का स्क्वायर इंटू R या I इफेक्टिव इंटू R। पीक करंट को IM से I0 से हम दिखाते हैं, ये हो जाएगी RMS वैल्यू जो होती है IM बाय रूट टू। इसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जितनी भी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो पूरे टाइम सेम नहीं रह रही हैं तो एवरेज निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम एक साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं तो आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव आधे के लिए नेगेटिव, तो एवरेज निकालने का भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि एवरेज जीरो हो गया। इसलिए यहाँ जुगाड़ लगाते हैं हम, युक्ति लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, वो ये कि पहले स्क्वायर करते हैं। हिंदी में जो है सीक्वेंस चाहिए वर्ग माध्य मूल मान, अंग्रेजी में सीक्वेंस रूट मीन स्क्वायर, वो उल्टा है। पहले स्क्वायर करते हैं हम, स्क्वायर करने से नेगेटिव पार्ट भी पॉजिटिव हो जाता है। फिर मीन लेते हैं, वर्ग माध्य यानी मीन और मूल स्क्वायर रूट। देन फाइनली हम स्क्वायर रूट लेते हैं जिससे कि स्क्वायर करने का इफेक्ट खत्म हो जाए। तो ऐसी वैल्यू को हम बोलते हैं, इस तरह की वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू। तो वी आर एम एस इज वी जीरो बाय रूट टू या वी एम बाय रूट टू, आई आर एम एस आई जीरो बाय रूट टू। तो अगर 220 वोल्ट की बात हम करें तो 220 वोल्ट अगर आरएमएस वैल्यू है तो पीक वैल्यू जो है 311 वोल्ट होगी। तो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी बिकॉज 220 वोल्ट एसी का मतलब होता है आपको शॉक लगेगा 311 वोल्ट का पीक वैल्यू का, जबकि 220 वोल्ट डीसी मतलब 220 वोल्ट। दैट्स व्हाई फॉर द सेम वैल्यू एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स। तो इस चैप्टर में फेजर्स का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। आपको फेजर बनाने आने चाहिए। अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम डायरेक्शन में रहने वाले हैं। ये वेक्टर डायग्राम है मतलब ये फेजर डायग्राम है। इसको मैंने घुमा दिया एंगल ओमेगा टी पर, इसलिए अगर ओमेगा टी पर नहीं घुमाते सीधा सीधा बनाते तो ये फेजर होता। करंट का मैग्नीट्यूड कम है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ग्राफ में भी नजर आ रहा है एम्पलीट्यूड वाइज वोल्टेज बड़ा है, करंट छोटा है, दोनों सेम फेज में, दोनों की फेज ओमेगा टी वन। तो ये आपको प्रिपेयर करना है फेजर्स को। अगर प्योर इंडक्टर की बात करें सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, तो हमको प्रूव करना आना चाहिए कि वोल्टेज जो है करंट से आगे रहती है एंगल π/2 से. वोल्टेज इज लीडिंग by an angle π/2. The dimension of inductive reactance is same as that of resistance and its SI unit is ohm. Inductive reactance limits the current in a purely inductive circuit in the same way as the resistance limits the current in a purely resistive circuit. The inductive resistance is directly proportional to the inductance and to the frequency of the current. यानी XL और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. और फिर से इनके लिए फेजर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बनाना आना चाहिए. करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, करंट 90 डिग्री से पीछे है. तो अगर एवरेज पावर हम यहाँ पे निकालते हैं जो कि होती है VRMS IRMS cos phi, तो करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये जीरो हो जाता है, एवरेज पावर जीरो हो जाती है. हालांकि इंस्टेंटेनियस पावर जीरो नहीं है. Average power supplied to an inductor over one complete cycle is zero. ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के तैयार करें. यहाँ आप देख पा रहे हो करंट भी है, वोल्टेज भी है और पावर का ग्राफ भी है. और करंट और वोल्टेज के नेगेटिव या पॉजिटिव फ्लक्स भी दिख रहा है आपको, फ्लक्स भी है, करंट भी है, वोल्टेज भी है और पावर भी है. तो उसके हिसाब से पावर का ग्राफ आप देख पा रहे हैं. तो उस ग्राफ को लॉजिकली तैयार करें, इसको समझ लें, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इससे मिलते जुलते और भी ग्राफ यहाँ पर हैं. अच्छा, कैपेसिटर अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को रोकना, करंट को जाने देना. यानी वोल्टेज पीछे हो जाता है, करंट आगे हो जाता है, तो करंट लीड करता है कैपेसिटिव सर्किट में. The dimension of capacitive reactance is the same as that of resistance. Xc से दिखाते हैं capacitive reactance को. SI unit is ohm. The capacitive reactance limits the amplitude of the current in a purely capacitive circuit in the same way as the resistance limits the current in purely resistive circuit, but it is inversely proportional to frequency and the capacitance. Capacitance बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा. गौर से देख लें, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, ग्राफ में भी यही दिखाया है और फेजर डायग्राम में भी यही दिखाया. याद रखने का बहुत आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ. आप एक सेंटेंस याद रख सकते हैं, एली द आइसमैन. यानी अगर इंडक्टर है तो ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है, और अगर मैं लिखता हूं आइस एली द आइसमैन, तो कैपेसिटर की जब बात हो रही है तो बच्चों साफ पता चल रहा है करंट आगे है, आई आगे है और ईएमएफ या वोल्टेज पीछे है. तो इस सेंटेंस की मदद से बिना किसी कंफ्यूजन के हम याद रख सकते हैं किसमें कौन आगे रहेगा. और वैसे भी इंडक्टर जो है वो करंट को रोकता है जबकि कैपेसिटर वोल्टेज को रोकता है. एग्जांपल 7.3, इसका कंसेप्ट प्रिपेयर करें, बहुत काम का कंसेप्ट है जो इसमें बताया लैंप, इसको समझ के तैयार करें. ये वाला ग्राफ भी देख लें वन कंप्लीट साइकिल के लिए. हालांकि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को बता रहा है, बस एक बार देख लें इसको, चार्जिंग डिस्चार्जिंग को प्रिपेयर करने की जरूरत आपको नहीं. एग्जाम्पल 7.5 फिर से इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, इसको तैयार करें. इंडक्टर में अगर हम कोर इंसर्ट करते हैं, अगर यहाँ डीसी सोर्स होता तब स्टेडी स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट था, पर AC सर्किट है तो इसको तैयार कर लें. सिंपल सा कंसेप्ट है, ये पहले आ चुका है बोर्ड में, पूछा जा चुका है. AC वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज LCR सर्किट. हमें इंडिविजुअल LC, RC, LR अलग अलग सर्किट तैयार करने की जरूरत नहीं है. पहली बात तो सिर्फ आपके सिलेबस में सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट नहीं है, तो आपको सिर्फ सीरीज सर्किट ही तैयार करना है और सीधे LCR सीरीज सर्किट तैयार करना है. और LCR सीरीज सर्किट जिसमें करंट सेम रहेगी, फेजर डायग्राम से अगर आप तैयार करते हैं तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन ईजी पड़ता है. मैं प्रेफर करूँगा कि फेजर डायग्राम से अगर आप तैयार कर सकते हैं तो बेटर है, ये कंपैरेटिवली इजी है, हालांकि एनालिटिकल सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। तो नोट्स में आप देख सकते हैं फेजर डायग्राम से इसको सॉल्व करना, इम्पीडेंस डायग्राम बना सकते हैं हम फेजर डायग्राम की मदद से, वोल्टेज डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम हम बना सकते हैं और उससे डायरेक्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये फेजर आप देख पा रहे हैं, यहाँ करंट वोल्टेज से फाई एंगल पर है, वोल्टेज को रेफरेंस लिया है, अगर करंट को रेफरेंस लेंगे तो करंट वोल्टेज की जगह होगा, मतलब वोल्टेज की बजाय करंट को ओमेगा टी पर दिखाएंगे, और क्योंकि हमें दिखाना है कि वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज नीचे की तरफ चला जाएगा। एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल है, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप एनालिटिकल सॉल्यूशन भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं कोई सा एक, या तो फेजर या तो एनालिटिकल, बाउंड नहीं किया जाता आपको एग्जाम में कि यही करें। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर से वो है रेजोनेंस, LCR सीरीज रेजोनेंस, ये अच्छे से तैयार कर लें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना आपको आना चाहिए 1/2 π√LC, अगर FR की बात हो रही है, अदरवाइज एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो 2π उसमें नहीं आएगा। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है R और 2R रेजिस्टेंस के लिए, कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है सिर्फ इंडक्टर की और कैपेसिटर की वैल्यूज पर। तो ये ग्राफ तैयार करें, करंट के वेरिएशन इसमें इधर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इधर टच नहीं हो रहा है, एंड जो है इसका एक्स एक्सिस पर। और रेजोनेंट सर्किट्स हैव अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस, रेजोनेंट सर्किट्स की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, फॉर एग्जांपल इन द ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ ए रेडियो और टीवी सेट, एंटीना ऑफ ए रेडियो एक्सेप्ट सिग्नल्स फ्रॉम मेनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस, द सिग्नल्स पिक्ड अप in the antenna acts as a source in the tuning circuit of the radio, so the circuit can be driven at many frequencies. Resonance ki bahut sare applications. It is important to note that resonance phenomena is exhibited by a circuit only if both L and C are present in the circuit. Only then do the voltages across L and C cancel each other. Aur agar sirf L ya sirf C hai to resonance hone wala nahi hai bachcho, both being out of phase, and the current amplitude is Vm/R. The total source voltage appearing across R. This means that we cannot have resonance in RL or RC circuit. इसमें पूछा जाता है आपसे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधे जो समरी में अभी मैं पॉइंट मार्क कराऊंगा तो वो पढ़कर आप तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो ग्राफ खींचा था करंट का, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन दिखाया था, उसमें हम दो फ्रीक्वेंसीज मार्क कर सकते हैं, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, जिनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, और 2 ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस से हम क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं। ये सारे डेरिवेशन आप छोड़ सकते हैं, ये मैथमेटिकल पार्ट सारा छोड़ सकते हैं, सीधे फॉर्मूले पे आ जाए ओमेगा L/R, उससे हम दिखा सकते हैं, और 1/ωCR से भी दिखा सकते हैं क्वालिटी फैक्टर क्यू। लेस शार्प द रेजोनेंस, लेस इज द सेलेक्टिविटी, एक शब्द याद कर लें, सेलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट और वाइस वर्सा। हम ऊपर से निकल रहे हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं हमें डेप्थ में जाने की। वी सी दैट इफ क्वालिटी फैक्टर इज लार्ज, दैट इज आर इज लो और एल इज लार्ज, द सर्किट इज मोर सेलेक्टिव। रेजिस्टेंस जितना कम होगा, इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, सर्किट उतना ही ज्यादा सेलेक्टिव होगा। तो शार्पनेस जो है रेजोनेंस की सेलेक्टिविटी को बताती है, इसको आप पीछे समरी के पॉइंट से तैयार कर सकते हैं। पावर इन AC सर्किट एंड पावर फैक्टर, इसकी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसको आपको प्रिपेयर करना है। एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर में 2 टर्म आ रही हैं, जिसमें एक टाइम के साथ वेरिएबल है, दूसरी कॉन्स्टेंट है। तो एवरेज पावर जब निकालते हैं तो टाइम के साथ जो वेरिएबल टर्म है, जिसमें ओमेगा t आ रहा है, वो खत्म हो जाती है, सिर्फ बचता है Vm Im/2 cos phi, जिसको हम RMS फॉर्मेट में लिख सकते हैं, Vrms Irms cos phi या I²Z cos phi। ये चारों केसेस पढ़ लें, कब पावर 0 होती है। अकॉर्डिंगली हम वाटलेस, वाटफुल करंट, ये टर्म्स यूज करते हैं। वाटलेस करंट, वाटफुल करंट, इंडिविजुअल एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एग्जाम्पल 7.7 इसको तैयार करें, जो पावर फैक्टर के कंसेप्ट को क्लियर करता है कि पावर फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। पावर फैक्टर हम ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम एप्रोप्रिएट कैपेसिटर सर्किट्स में यूज करते हैं। पावर फैक्टर बढ़ाकर हम बिजली का बिल कम कर सकते हैं। मेरे लेक्चर में आप देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल मिलेगी आपको एसी वाले लेक्चर में रिगार्डिंग पावर फैक्टर। एग्जाम्पल 7.10 एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको तैयार करें कि एयरपोर्ट का जो मेटल डिटेक्टर है वो LCR सीरीज रेजोनेंस पे काम करता है, कैसे यहाँ पे समझाया गया है। तो प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, मेटल डिटेक्टर का प्रिंसिपल है LCR सीरीज रेजोनेंस। LC ऑसिलेशन जो आर्टिकल है उसमें रीडिंग आप लगाना चाहें लगा लें, एक रीडिंग अच्छी है, एक रीडिंग लगाते हैं। तो इस बार के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन इस पे है, वैसे इस पे पूछा नहीं जाता। तो इसमें जो सॉल्ड एग्जाम्पल दिया हुआ इसके बाद, इसकी डिटेल खत्म होने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ। ये मिस प्रिंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नोट दैट द अबव डिस्कशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज नॉट रियलिस्टिक फॉर टू रीजन। साथ ही साथ इन्होंने बता दिया है कि रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है क्योंकि जो भी इंडक्टर होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस में हम पढ़ते हैं कि इंडक्टेंस लेस रेजिस्टेंस बनाना पॉसिबल है बच्चों, कॉइल को डबल ही वाउंड करके, पर रेजिस्टेंस लेस इंडक्टेंस सिर्फ सुपर कंडक्टर से बनाया जा सकता है। सो एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है। The effect of this resistance is to introduce a damping effect on the charge and current in the circuit, and the oscillations finally die away. Oscillation खत्म हो जाएंगे, और अगर इस इफेक्ट को ना भी कंसिडर करें, यानी रेजिस्टेंस जीरो कर भी दो, तो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम के वो कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि एनर्जी रेडिएट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हम अगले चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंपैरिजन दिया हुआ है फोर्स्ड ऑसिलेशन ड्रिवन LCR सर्किट का। इंटरेस्टिंग लगे आप तो पढ़ लें, नहीं लगे तो छोड़ दें। एग्जांपल 7.11 ये इस बार के सैंपल पेपर में दिया गया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको अच्छे से कर लें। एग्जांपल 7.11 आ सकता है आपके एग्जाम में, एक्सपेक्टेड है। सैंपल पेपर में इतने टाइम बाद इसे दिया गया है, इसको ले आके टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है। ट्रांसफार्मर पे बड़ा क्वेश्चन बनता है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग या फिर छोटा क्वेश्चन बनता है तो एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर के नाम पूछ लेते हैं। ध्यान रखें ट्रांसफार्मर का जब भी प्रिंसिपल लिखें, ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, ये है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। दो तरह के ट्रांसफार्मर यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपको। ये है जिसमें कोर के अंदर मतलब कोर के थ्रू बी वाला है कोर टाइप, ए वाला है शेल टाइप। शेल के अंदर कॉइल आ गई तो शेल टाइप, और कोर के थ्रू लिंक हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तो कोर टाइप। फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसमें जो मेन फॉर्मूला है Vs/Vp = Ns/Np = Ip/Is, करंट के रिलेशन के साथ उसको याद रखें, इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो Ns/Np होता है, ये ध्यान रखें। Np/Ns कुछ भी नहीं होता, Ns/Np is the transformation ratio secondary to primary। Losses के नाम याद कर लें, flux leakage, resistance of the windings के कारण copper loss होता है, eddy current loss होता है, hysteresis loss होता है, कहाँ पर core में, core loss बोलते हैं उसको, और आवाज करता है ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं humming loss। लॉसेस के नाम याद कर लें। फिर आगे समरी में पॉइंट नंबर 5 तैयार कर लें, और 6 और 7 ये आपको शॉर्ट में डिटेल मिल जाती है, कुछ डेफिनेशंस मिल जाती है, वॉटलेस करंट वगैरह, ऐसे ही क्वालिटी फैक्टर उससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पर हमें शॉर्ट में मिल रही है, टू दी पॉइंट जो हमको तैयार करनी। चैप्टर के अंदर से तैयार करने के बजाय हम यहाँ से तैयार करें। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी यहीं से दिख रहा है हमको। नेक्स्ट पॉइंट्स टू पॉन्डर में पहला पॉइंट, अगर 240 वोल्ट अगर लेते हैं हम RMS तो √2 टाइम्स करेंगे तो लगभग 340 वोल्ट पड़ता है। मैं यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि 220 वोल्ट जो हम वैल्यू लेते हैं वो सेक ऑफ कैलकुलेशन आसानी से हो जाए इसके लिए लेते हैं। बाकी भारत में जो सप्लाई है 50 हर्ट्ज पर 220 से लेकर 240 के बीच वैरी करती है, और स्टैंडर्ड 230 हम मानते हैं यहाँ पे 230 वोल्ट। 1 एम्पियर ऑफ RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन ए सर्किट इफ द करंट प्रोड्यूसेस द सेम एवरेज हीटिंग इफेक्ट as 1 ampere of DC current would produce under the same condition। इस significance बताई है RMS value की, कि RMS value की क्या significance है how to compare RMS with DC current. The power factor in RLC circuit is a measure of how close the circuit is to expanding the maximum power. यानी जितना ज़्यादा होगा पावर फैक्टर उतना अच्छा है, इसको आपको समझना है। एक्सरसाइज में रिकमेंडेड है कि 7.10 एंड 7.11 ये क्वेश्चंस कर लें। 7.10 एंड 7.11, 7.22 कंसेप्चुअल है, इसको तैयार कर लें। 7.25 अगर ट्रांसफार्मर पे बड़ा क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का तो आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7.25 उसी कैटेगरी का न्यूमेरिकल है जो बड़े क्वेश्चन में अटैच होकर आएगा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो मेरी तरफ से एसी चैप्टर में इतना ही। तो बच्चों फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप ट्यून, डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, सब तैयारी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कंटिन्यूटी चाहिए, लगातार पेज पलटते रहें, फैमिलियरिटी बनाएं सब्जेक्ट के साथ।